हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी एम ज्योति। और आज हम जान लेते हैं DSSBTGT मैथमेटिक्स सिलेबस कि कहाँ से क्या करना है, कितना करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है हमें। और अब जैसे कि एडवांस पिछले जो पेपर हुए थे उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के जो डायरेक्ट रिजल्ट हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस DSSBTGT। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैथमेटिक्स। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा हमारा? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो जो पेपर आया था पिछले साल उसमें सेट से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं, सेट से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही हैं। अब वो क्वेश्चन पिछले TGT मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो डायरेक्ट पूछा था काउंटिंग करने से कि सेट में कितने नंबर ऑफ ओन टू फंक्शन होंगे, कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले गए 11th 12th से। हम सब डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीडियोस में जो कि आपको मिलेंगी अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, एनरोल करके आप ले सकते हो। तो इसमें हम सेट की सभी बेसिक डेफिनेशन टाइप कि कौन से सेट डेफिनेशन एम्प्टी सेट सारे कॉन्सेप्ट सीख, एम्प्टी सेट के बारे में, इनफाइनाइट फाइनाइट सेट टाइप, फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, दो सेट इक्वल कब होंगे, कब इक्विवेलेंट होंगे, वो सारी कंडीशंस। और जैसे वो एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ग्रेजुएशन और एमएससी से रिलेट करके हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हम अपने वीडियो में। यहाँ पे उसकी नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन दोनों तरीके से, वेन डायग्राम की हेल्प से भी, फॉर्मूला बेस्ड भी रिप्रेजेंटेशन। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन इंटरसेक्शन, ऑपरेशन में क्या यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं सेट चैप्टर में। पावर सेट के बारे में, सबसेट पहले सबसेट, सबसेट पावर सेट, पावर सेट में काउंटिंग करना सबसेट्स की सबसे अच्छी एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे। मान लें कि हमारे पास कोई सेट है उसमें है एलिमेंट 2n, ये हमसे पूछता है, क्वेश्चन आया भी था पिछले TGT ये इसी में TGT मैथमेटिक्स में कि वो सबसेट्स काउंट करो जिसमें n प्लस 1 से ज़्यादा एलिमेंट है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो है 2n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, अगर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है n, तो यहाँ अगर ये पूछ अगर सेट में 2n एलिमेंट है और हम काउंटिंग करने बैठ गए एन प्लस वन, तो पेपर का पूरा टाइम निकल जाएगा, आप ये काउंट नहीं कर पाओगे कि वो कौन से सबसेट्स बनेंगे जिसमें एन प्लस वन एलिमेंट। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे किसकी एप्लीकेशन बाइनोमियल ब्यूटीफुल करने वाले हैं हम इस चैप्टर में सेट में। और रिलेशन चैप्टर में सेट रिलेशन पढ़ने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिजन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कार्टिजन प्रोडक्ट के बाद उसके एलिमेंट निकालना सीखेंगे, एलिमेंट निकालने के बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन दे दे अगर हमसे पूछ ले कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, वो सारी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। तो ट्रिक से मैं सिखाऊंगी आपको कैसे एकदम से चेक कर सकते हो आप कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये नहीं चेक करना कि कैसे क्या कर क्या एलिमेंट दे रखे हैं, हमें क्या डायरेक्ट चेक करना है कि उस रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी प्रेजेंट है या नहीं, उसके साथ आइडेंटिटी का इंटरसेक्शन करें एम्प्टी आता है या नहीं, वो सारे हम बेसिक मेथड है यहाँ पे सीखने वाले हैं रिलेशन चैप्टर में। उसके बाद हम काउंट करना भी सीख लेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, कितने इरिफ्लेक्सिव होंगे, कितने सिमेट्री रिलेशन बनेंगे, कितने स्क्यू सिमेट्री, कितने एंटी सिमेट्री रिलेशन है, एंटी सिमेट्री रिलेशन है तो क्या कंडीशन है, एसिमेट्री रिलेशन है तो क्या कंडीशन है, वो सारी कंडीशन हम रिलेशन चैप्टर में कवर कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा टॉपिक, फंक्शन। फंक्शन में हम सबसे पहले ग्राफिकल अप्रोच से ये चेक करना सीखेंगे कि फंक्शन है या नहीं। ग्राफिकल अप्रोच से ही मैं आपको ये चेक करना सिखाऊंगी कि वन वन फंक्शन है या नहीं है, एनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, कैसा है। ग्राफिकल अप्रोच कैसे कि कोई फंक्शन वन वन होगा तो कब होगा। मोस्ट ऑफ क्या होता है डेफिनेशन देर के, डेफिनेशन बेस हम चेक कर लेते हैं। दूसरा ग्राफिकल अप्रोच से कैसे चेक करना है कि हम लाइन ड्रॉ करके चेक करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कि वो लाइन उस ग्राफ को कितनी कट करनी चाहिए, एटलीस्ट वंस कट करनी चाहिए, एटमोस्ट वंस कट करनी चाहिए। ये सारी अप्रोच हम सीखने वाले हैं फंक्शन चैप्टर में। तो ये हमारा होगा फर्स्ट टॉपिक, दैट रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सेकेंड एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कवर कर कि इसी से एडवांस क्या कर सकता है, इंटीग्रेशन में ले सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म से नहीं पूछे थे पिछली बार, क्वेश्चन कहाँ से आ गए थे, उसका पोल कहाँ होगा, उसका पोल है तो कैसा है, उसमें सिंगुलैरिटी कैसी है, सिंगुलैरिटी कैसी है, रिमूवेबल है या नहीं है, इस टाइप के सभी पार्ट हम कवर कर लेंगे जो कि आपके कौन से लेवल के हैं, मास्टर्स लेवल के जो डायरेक्ट आए थे, डायरेक्ट नेमिंग थ्योरम्स आई थी, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, बेसिक्स से लेकर 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स की जो भी नेमिंग पूछी गई थी वो सब हम कवर करने वाले हैं हमारे इस कोर्स में। और हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज आपको बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट की आपको वीडियोस मिल रही है। डिटर्मिनेंट में ही हम यहाँ पे लीनियर एलजेब्रा डिस्कस, एलजेब्रा रैंक नलिटी थ्योरी, ये सब हम यही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी, एरिया निकालना किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में कर लेंगे। और इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट जीरो होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, कब जीरो होता है, कोई भी एक को जीरो हो जाए, कोई भी एक आइडेंटिकल हो जाए दूसरे, ओके आइडेंटिकल हो जाए, वो सारी कंडीशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिए थे, जनरल फॉर्म दे के में ही ए बी सी की कंडीशंस पे क्वेश्चन आ गए थे कि डिटर्मिनेंट अगर डी, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है तो रूट कॉम्प्लेक्स होने की ए बी सी की क्या कंडीशंस होंगी, वो सारी मैं वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट लीनियर इनक्वालिटी अलग से पढ़ेंगे, लीनियर इनक्वालिटीज, इनक्वालिटी, लीनियर इनक्वालिटीज कैसे क्वेश्चन पूछे आपसे, सॉल्यूशन सेट के बारे में पूछे कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस इंटरवल में लाई करता है, वो इंटरवल मेंशन कर देगा कि वो माइनस प्लस इनफिनिटी, जीरो टू इनफिनिटी है या आर टू आर है, ऐसे आपको क्वेश्चन देता है। तो हम वाला टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा। इसी के साथ 9th चैप्टर क्या होगा हमारा, बाइनोमियल, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर हमेशा, बाइनोमियल बहुत ही अच्छे तरीके वाले हैं। और आपको वो अप्रोच भी सिखाऊंगी मैं, आप ऑप्शन रिजेक्ट करना भी सीखोगे कि हम क्वेश्चन को देखते ही उसके ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेटिंग अप्रोच भी आपको सिखाऊंगी मैं।
हर एक चैप्टर की होगी, हर एक चैप्टर में हर एक अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक प्लस ट्रिक से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या रहेगा, 10th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री, द पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। द पॉइंट सारी की सारी फॉर्म, कर्व फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट से डिस्टेंस की लाइन की। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा द स्ट्रेट लाइन, और इसी में पढ़ लेंगे हम पैरेलल ऑफ स्ट्रीट। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ेंगे हम, वहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, या जो नेमिंग थ्योरम होती है आपकी, कौन सी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टॉक थ्योरम, ये सारी थ्योरम की हम स्टेटमेंट और बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट, कब सोलिनोइडल होगा, कब इरोटेशनल होगा, वो सारी कंडीशन कवर कर लें। 11th 12th साथ 11th आपको वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट आता है, टाइप आ जाता है, तो इसका पूछ लिया था आगे इरोटेशनल और नेमिंग थ्योरम आ गई थी, तो हम क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फोर वेक्टर की प्रोडक्ट, वो सब हम सीखने वाले हैं वेक्टर चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा थ्री डी डायमेंशनल ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा सर्कल, 10th चैप्टर सर्कल से क्वेश्चन का ही पूछ। नेक्स्ट है कॉनिक सेक्शन, कॉनिक कॉनिक सेक्शन में क्या क्या बोला, इनमें हम स्टेटस रेक्टम निकालना, इक्वेशन निकालना, डायरेक्ट्री इक्वेशन निकालना, स्ट्रेट लाइन की, एक्सिस की इक्वेशन, लेटस रेक्टम की, एलिप्स और जनरल इक्वेशन देके कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये हाइपरबोला है, पैराबोला है या एलिप्स है, वो सारी कंडीशंस हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है इसी। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी में नेमिंग थ्योरम, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सभी स्टैटिस्टिक्स, सारी सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, डाइवर्जन, सब हम इसमें कवर कर। 17 नेक्स्ट है हमारा, 18 सीक्वेंस एंड वाले हैं अर्थमेटिक एंड नेक्स्ट एल बेट एंड ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसी ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपको इसकी आदत भी हो जाएगी और इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट इसी के साथ हम डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इसी के साथ ही हम कवर कर लेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा, चेक करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दोनों ही पढ़ेंगे हम, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी और इनडेफिनेट। सीक्वेंस एंड सीरीज को, इस चैप्टर को हम ग्रेजुएशन लेवल तक, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है, इसको किसकी कन्वर्जेंस चेक करना, डाइवर्जेंस चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से, इस वाले बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने।
डेफिनेट डेफिनेट नेक्स्ट है हमारा हो गया एरिया अंडर द कर्व अंडर कर्व और साथ में डायरेक्ट तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्ट ही उसके अलावा ही पूछे ही नहीं गए हैं कि डायरेक्ट की वॉल्यूम ये होगा तो हम ये वाला टॉपिक भी करने वाले हैं अदरवाइज ये तो हम यहाँ कवर कर सकते हैं इसलिए मेंशन कर यहाँ से कुछ को अलग से कवर करने वाले हैं कि अलग से क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसी में चैप्टर नंबर 25 सीनियर एल्जेब्रा नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत कुछ ऑर्डर निकालना एडिट क्यू एट के फोर केल्विन फोर ग्रुप ये सारे ग्रुप आ गए थे ये सभी एलिमेंट दो दो ऑर्डर ज़्यादा नहीं हुआ। नेक्स्ट है कैलकुलस वेक्टर कैलकुलस कैलकुलस और कैलकुलस भी पढ़ेंगे सारा सिलेबस कवर हो जाता है आ गया है और जितने क्वेश्चन रिलेटेड हर टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं अब तक जितने क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे कवर कर लेंगे सारे कॉन्सेप्ट जिनसे हमारे क्वेश्चन बन सकते ये सब हम करने वाले हैं 28 इन 28 चैप्टर की लेक्चर प्लस क्वेश्चंस प्लस इस क्वेश्चंस की पीडीएफ दोनों ही फॉर्म में सोल्ड अनसोल्ड सारी की सारी आपको मिल जाएगी अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म आप एनरोल कर दे सकते हो और कर सकते हो अच्छे क्लास में